धनबाद निरसा के चिरकुंडा नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण करने का मामला सामने आया है। भाजपा के चिरकुंडा नगर परिषद अध्यक्ष डब्लू बाउरी चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र के नेहरू रोड के पास बड़ा सा टेंट बनाकर उसके अंदर सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण करवा रहे हैं। अवैध कब्जा करने के बाद पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। वहीं इस पर चिरकुंडा नगर परिषद के अध्यक्ष डब्लू बाउरी ने कहा कि ये जमीन उनके पूर्वजों की है, जिसके पेपर की जांच सरकार और सीओ को करने की मांग की गई है। ये जमीन जो है इसका एनओसी प्राप्त हम लोग को है और मेरा जो जमीन है, मेरा रसीद कटा हुआ जमीन है, बाउरी का जमीन है। हम चाहते हैं सरकार से कि आप सीओ से भी यही चाहते हैं कि इस जमीन का नापी करवा ले, जो जो अतिक्रमण किया सब के दूर। हम तो जो ये कर रहे हैं, अपना जो काम कर रहे हैं वो भी बंद कर दे रहे हैं, लेकिन पहले नापी करवा लीजिए। आज से काम जो काम कर रहे थे, एक ऑफिस बन रही थी हमारी, शौचालय बन रही थी, वो हम काम बंद करवा दे रहे हैं, लेकिन ये ज़मीन का पेपर हम दे देते हैं। अभी कर्मचारी मेरे पास आया और कर्मचारी को पेपर दे देते हैं, पेपर वेरिफिकेशन कर लीजिए और नापी करवा लीजिए। नापी करवा के जो जो अतिक्रमण किया सबको तोड़िए। अध्यक्ष महोदय, आप सर ये है कि ठीक है, आपकी जमीन है, आप कह रहे हैं पेपर सब कुछ है, संदेह के घेरे में तो आप खुद डाल रहे हैं कि बंद कमरे में उसको घेर कर काम निर्माण किया जा रहा है, ऐसा कहाँ तक सही उचित है? देखिए, बंद कमरे का जहाँ तक बात है, बंद कमरे में आप जो रोड पर काम हो रही है, चूँकि मेरा आवास पुराना बना, अभी जो नया आवास मेरा घर में बना उसमें 50 बांस रखा हुआ था, वहाँ आए दिन चोरी हो रहा था, हमने तिरपाल ढक के काम करा। आप कोई मान के चलिए कोई शादी कर रहा है तो कोई खुला में भी कर सकता है, कोई बंद कमरा में कर सकता है, तो हमने तिरपाल ढक के किया तो कौन सा बुरा क्यों? अब पेपर बताएगा और जमीन का स्थिति बताएगा क्या स्थिति है। वहीं इस संबंध में चिरकुंडा नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष संतु चटर्जी ने कहा कि अवैध निर्माण का काम निरसा सीओ की मिली भगत से हो रहा है। आज 8-10 बजे पहले से देख रहे थे, एगो उनका ऑफिस का बगल में एगो बड़ा टेंट बना हुआ था, उस टाइम हम सुने कोविड का जांच होगा, जैसे बाजार में हल्ला था, लेकिन उसमें हम लोग को नज़र था, हम देखे उसको गोडाउन में सीमेंट घुसा, काल आपको रॉड रेडी करके किया है या मोहनडांगा से सर लेके किया है बना के, तो आपका सीओ साहब को बोले ताकि हमको पता नहीं जो डब्लू का अध्यक्ष कर रहा है ना कौन कर रहा है, लेकिन सरकारी ज़मीन का इन्फ्रेशमेंट हो रहा तिरपल का आड़ में, उसमें ई कंस्ट्रक्शन हो रहा, सीओ साहब को कल हम बोले हैं तो उनका संज्ञान में गया है, उन्होंने बोला जो हम आदमी भेज के देखेंगे, हम साथ में ये भी बोला है जो रिटिन भी हम 2-4 आपको दे देते हैं, देखते हैं सीओ साहब क्या करता है। अगर सीओ साहब अगर इसमें मिली भगत है तो उनको भी समझ में आएगा, तब पूरा रोड में जितना है हम लोग एक के बाद एक ऑफिस ओपन करेंगे, उसे ट्रिपल भी करते हैं। चिरकुंडा नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्य को बीच में ही रोक दिया गया है। स्थानीय लोगों के आक्रोश के बाद इस मामले की जांच की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज की रिपोर्ट।